नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सौहार्दम प्रकृति शोभा, परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है, लेसन नंबर 7 पार्ट 8। तो देखिए दोस्तों, मयूर है, मयूर कह रहा है, अरे वानर तूष्णीम भव। तूष्णीम मीन्स चुप, भव मीन्स हो जाओ, चुप हो जाओ। यहां पर भव है, इसकी मूल धातु क्या है? भू। ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है और इसका कर्ता होगा त्वम। तो क्या कह रहा है मोर? अरे वानर त्वम तूष्णीम भव, तुम चुप हो जाओ। क्योंकि भव मध्यम पुरुष एक वचन है, लोट लकार है, मूल धातु भू है, इसका कर्ता होगा त्वम, तुम चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम वनराज पद के लिए कैसे योग्य हो? तुम वनराज पद के लिए कैसे योग्य हो? तुम वनराज पदाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए। तुम वनराज पद के लिए कथम कैसे योग्य हो? तुम वनराज पद के लिए कैसे योग्य हो? तो यहां पर त्वम कर्त्री पद है और योग्य हो इसकी क्रिया पद होगी असि। नेक्स्ट, पश्यतु पश्यतु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, पश्यतु मूल धातु है दृश्य, पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम सिरसी मेरे सिर पर, सिरसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अधिकरण कारक मे पर इसका चिन्ह होता है, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव, राज मुकुट के समान, शिखा को स्थापयता, स्थापित करने वाले, विधात्रा विधाता के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, विधाता के द्वारा, ही मीन्स ही, अहम मैं, पक्षी राजे, पक्षियों का राजा, पक्षी नाम राजा, पक्षियों का राजा, कृते किया गया, बनाया गया। दोबारा देखेंगे, देखो देखो मेरे सिर पर, राज मुकुट के समान, शिखा को स्थापित करने वाले, विधाता के द्वारा ही मैं पक्षी राज बनाया गया हूँ। कृते में कृ धातु है, कत प्रत्यय है पुलिंग, पक्षी नाम राजा षष्ठी तत्पुरुष समास है और एव धन अहम यह पर दीर्घ संधि है। विधात्रा इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है, मूल शब्द है विधाता। नेक्स्ट देखिए, अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण अपि दृष्टुम सज्जा भवन्तु, इसलिए वन में रहने वाले मुझको मां, मुझको वनराज रूपेण, वनराज वन के राजा के रूप में भी दृष्टुम देखने के लिए सज्जा भवन्तु, तैयार हो जाओ। भवन्तु विभू धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, दृष्टुम दृश धातु है और तुमन प्रत्यय है। तो दोबारा देखिए, इसलिए वन में रहने वाले मुझको वनराज के रूप से भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना अब यत क्योंकि कथम को अपि अन्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे, के धन अपि धन अन्य, यहां पर यन संधि है और यहां पर उत्तर विसर्ग संधि। तो क्योंकि कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुं विपरीत करने में कथम क्षमय कैसे समर्थ होगा? क्योंकि कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को विपरीत करने में कैसे समर्थ होगा? तो यहां पर क्षमय, इसका विलोम शब्द लिखेंगे तो अक्षमय लिख देंगे। कर्तुम में तुमन प्रत्यय है, क्री धातु है और तुमन प्रत्यय है। काक है, से व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, से व्यंग्यम व्यंग्यम सहिता, अरे अहि भूख, अरे मोर, अहि भूख का पर्यायवाची होगा मयूर है, अरे मोर नृत्य अतिरिक्तम का मतलब नाचने के अतिरिक्त, का तो विशेषता, तुम्हारी का विशेषता, क्या विशेषता है नाचने के अतिरिक्त, तुम्हारी क्या विशेषता है, ये कह रहा है कौवा, किसको कह रहा है? मोर को। व्यंग्य के साथ अरे अहि भूख, अरे मोर नृत्यातिरिक्तम, नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है, क्योंकि
त्वाम वंदराज पदाए योग्य मन्या महे वयम। भाई नाचने के अतिरिक्त तो तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम तुमको वनराज पद के लिए योग्य माने, कि हम त्वाम तुमको वयम हम तुमको वनराज पद के लिए योग्य माने। यहां पर वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, इसकी क्रियापद होगा मन्यामहे, और यहां पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, और ये त्वाम त्वाम युवाम युयम त्वाम ये मत कर्म कारक है, प्रथम कर्म कारक और एक वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों एक बार और इसका अनुवाद देखते हैं। मोर अरे वानर तुम चुप हो जाओ, तुम वनराज पद के लिए कैसे योग्य हो? देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा को स्थापित करने वाले विधाता के द्वारा ही मैं पक्षी राज बनाया गया हूं, इसलिए वन में रहने वाले मुझको वनराज के रूप से भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्योंकि कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को विपरीत करने में कैसे समर्थ होगा? काके स व्यंग्यम व्यंग्य के साथ अरे अहि भूख अरे मोर नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम तुमको वनराज पद के लिए योग्य माने, कि हम तुमको वनराज पद के लिए योग्य माने, नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है? नेक्स्ट पक्षी राजा के अस्ति, पक्षियों का राजा कौन है? तो कै के स्थान पर हम आंसर लिखेंगे मयूर है, कै के स्थान पर आंसर लिखेंगे मयूर है, पक्षियों का राजा मयूर है। नेक्स्ट कस्य शिरसि राज मुकुटम, किसके सिर पर राज मुकुट के समान शिखाम स्थापित, शिखा को स्थापित करने वाले विधाता के द्वारा ही मैं पक्षी राज किया गया हूं, विधाता के द्वारा ही मैं पक्षी राज किया गया हूं, तो किसके सिर पर? तो कस्य के स्थान पर लिखेंगे आंसर मयूरस्य, मयूरस्य मयूरे वन राज पद प्राप्त आत्मानं योग्यं कथं स्वीकरोति, मोर वन राज पद प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य कैसे स्वीकार करता? तो देखिए क्या कहता है मोर, मयूरे वन राज पद प्राप्त आत्मानं योग्यं स्वीकरोति यत मम शिरसि राज मुकुटम एव शिखाम स्थापित विधाता एव अहम पक्षी राजा कृत है, अतः बने निवसंतम माम वनराज रूपेण अपि तुष्टुम सज्जा भवन्तु। यहां तक इसका आंसर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है काके किम कथित्वा मयूरम वनराज पदाय योग्यम न मन्यते, को वह क्या कहकर के मोर को वनराज पद के लिए योग्य नहीं मानता है? क्या कहकर के कह रहा है कि अरे अहि भूख नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम्, ये कहता है। अब दोस्तों इसमें हमें देखना है कि अव्यय कहां है, तो सबसे पहले यहां पर कथम अव्यय है, कथम का मतलब होता है कैसे, और नेक्स्ट है इव, इव का मतलब समान होता है, और यहां पर एव ये अव्यय है, एव का मतलब ही, अथ मीन्स इसलिए, और अपि मीन्स भी, और यहां पर अपि और अन्य, अपि केवल अपि मीन्स भी, ये भी अव्यय है। नेक्स्ट नेक्स्ट है यत, यत मीन्स की, ये अव्यय पद है। नेक्स्ट अहि भूख, इसका पर्यायवाची होगा मयूर है, अहि भूख का पर्यायवाची मयूर होगा। क्षमय, इसका विलोम शब्द होगा एक समय, क्षमय का विलोम शब्द एक समय होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।